वहीं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हफ्ते भर के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है। आशुतोष के बाद अब आशीष खेतान ने पार्टी से दूरी का ऐलान कर दिया है। आशीष ने कुछ दिन पहले दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। मेरा पूरा ध्यान फिलहाल मेरी लीगल प्रैक्टिस पर है और मैं इस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं हूं। आम आदमी पार्टी की थिंक टैंक का हिस्सा रहे आशीष खेतान ने बुधवार को ये ट्वीट कर सबको चौंका दिया। हफ्ते भर पहले 15 अगस्त को इसी तरह चौंकाने वाले अंदाज में आपने था आशुतोष का इस्तीफा सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को ही आशुतोष के इस्तीफे के बाद आशीष खेतान ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईमेल से इस्तीफा भेज दिया था। अब ट्वीट से साफ हो गया है कि केजरीवाल आशीष खेतान को भी मनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो खोजी पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले आशीष खेतान ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया था। अब आशीष खेतान की नाराजगी समझ लीजिए आप। सूत्रों के मुताबिक आशीष खेतान नई दिल्ली लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी 2019 में यहां नया चेहरा आजमाना चाह रही है। इस सीट पर आपसे चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील और प्रवक्ता राहुल मेहरा का नाम सामने आ रहा था। ऐसे में दबाव बनाने के लिए आशीष खेतान ने पहले दिल्ली डायलॉग कमीशन से इस्तीफा दिया और अब पार्टी से दूरी बना ली। आपको बता दें कि 2014 के नई दिल्ली लोकसभा सीट से आशीष खेतान बीजेपी की मीनाक्षी लेखी से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे।